बहु है नीचे दुन्ने तिमिरं जिनं नमः बारहे अंग गिच्छा बियंदिये मले मूड़े दंसेनो तिलया विवेह पर चरण भूसा बसियौ सुय देवया सुईरम सयल गण पौ में रविनो विविहिति विराया विने संगा नीराया विकुराया गणे हर देवापसी यंतो पसियौ महुधर सेनो परवाई गयो हे दान बरसी हो सीतंता मिय सायर तरंग संघाय तो ये मनो पणि मामि पोपे दंतम दुके यंतम दुन्ने यंधे यारे दविन भगे सेव मगे कंटे मिसि समीपयिं सया दंतम पणि महे कहे भूये बलिम भूये बलिम के सेवा से परि भूये बलिम विनी है बम्महे पसेरं बर्णाह बिमले नाने बम्महे पसेरं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णम् ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धर सिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान को लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवाली स्वामी द्वारा रचित षटखंडारम ग्रंथ के पहले खंड जीवठान पर आचार्य श्री पी सेन स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका के छह भागों में से पहले भाग पर यानी पहली पुस्तक पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें मंगल संबंधी चर्चा करते हुए आचार्य श्री ने कहा कि मंगल में नाम आदि सभी गर्भित हो जाते हैं और प्रत्येक विषय का निरूपण धातु आदि छह माध्यमों से करना, मंगल का निरूपण उस प्रकार करने के बाद में अनियोग के संदर्भ में निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण और स्थिति इन माध्यमों से मंगल पर चर्चा के बाद में विधान पर अपनी चर्चा चल रही है। विधान यानी भेद प्रकार, कितने प्रकार का मंगल हो सकता है ये चर्चा अपन
कर रहे हैं, उनमें से यहाँ निबद्ध और अनिबद्ध मंगल की चर्चा की। स्वयं ग्रंथकार द्वारा लिखित मंगल निबद्ध मंगल कहलाता है, नमो अरिहंताणम आदि गाथा निबद्ध मंगल है, और अन्य ग्रंथों से कोई मंगलाचरण लेकर के यहाँ लिखा हो अथवा ऐसे ही मौखिक मंगलाचरण किया हो वह अनिबद्ध मंगल कहलाता है। इस तरह की चर्चा के बाद में अब शिष्य का प्रश्न खड़ा हुआ कि आप मंगल 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 की बात कर रहे हैं, 42 पेज हो गए, अभी तक कोई मूल ग्रंथ की विषय वस्तु ही नहीं आई, बस मंगल मंगल मंगल। तो आप शास्त्र लिख रहे हैं ना, शास्त्र स्वयं मंगल है कि अमंगल है? यदि मंगल है तो अलग से फिर मंगल की इतनी चर्चा करने की आवश्यकता क्या है, और यदि अमंगल है तो फिर ऐसा शास्त्र क्या कल्याण करेगा, तो लिखने का क्या लाभ? इस तरह की बहुत सुंदर शंका समाधान अब इस प्रकरण में प्रारंभ हो रहा है, पेज नंबर 43 पर प्रारंभ से शंका। सूत्र ग्रंथ मतलब शास्त्र मूल ग्रंथ स्वयं मंगल रूप है या अमंगल रूप है? मंगल रूप कल्याणकारी, अमंगल रूप जिसे कल्याण ना हो अहित हो। यदि सूत्र स्वयं मंगल रूप नहीं है तो वह सूत्र भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल के अभाव में पाप का कारण होने से उसमें सूत्र पने का विरोध आता है। यानी यदि वह शास्त्र मंगलकारी नहीं तो इसका मतलब पाप का कारण होगा, फिर ये हमारे कल्याण में निमित्त नहीं तो इसका मतलब अकल्याण में निमित्त बनेगा, और जो अकल्याण में निमित्त बनता है उसे सूत्र या शास्त्र तो नहीं कहते, ये सब साहित्य कहलाता। क्यों कहलाता? साहित्य में मूल शब्द है सहित, स उपसर्ग पूर्वक हित शब्द से बनता सहित, यानी हित से सहित, हित यानी कल्याण, कल्याण से सहित, और उसका भाव तो साहित्य, यानी सहित का भाव साहित्य। साहित्य में ठय प्रत्यय होता तो वृद्धि हो जाती और यह आ जाता तो बन जाता है साहित्य। ये सब भी साहित्य है, सिद्धांत ग्रंथ, सूत्र ग्रंथ है। तो यदि ये मंगल में कारण नहीं है तो फिर नहीं ग्रंथ कौन कहेगा, ये तो पाप पर तक हो गए। और यदि सूत्र स्वयं मंगल रूप है तो फिर उसमें अलग से मंगल करने की क्या आवश्यकता है? दीपक स्वयं प्रकाशमान, तो उसको देखने के लिए कोई दूसरा दीपक जला था क्या? ऐसी शास्त्र स्वयं मंगलमय, तो अब उसमें मंगलाचरण करने की क्या आवश्यकता? वो इतना लंबा लंबा कर रहे हैं आप, ने इतने सारे पेज अभी तक मूल विषय ही शुरू नहीं हो पाए, क्योंकि मंगल रूप एक सूत्र ग्रंथ से ही कार्य की निष्पत्ति हो जाती है, यानी उससे ही काम हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। यदि कहा जाए कि सूत्र मंगल नहीं है तो यह बात भी नहीं है, क्योंकि ऐसी ही प्रतिज्ञा नहीं पाई जाती, सूत्र हो शास्त्र हो वो मंगलकारी ना हो तो उसे साहित्य नहीं कहेंगे, पर साहित्य कहा जाता है, सूत्र शास्त्र कहा जाता है, इसका मतलब मंगलकारी तो है। अतएव परिशेष न्याय से वह मंगल है, तब फिर इसमें अलग से मंगल क्यों किया गया है? स्वयं जिनवाणी मंगलमय, तो अब उसमें अलग से मंगलाचरण करने की आवश्यकता क्या है? परिशेष न्याय जी, परिशेष न्याय, हाँ, यानी मैंने कहा आप
मंगलायतन विश्वविद्यालय जाएंगे 19 तारीख को। कार्यक्रम तो है, अपना ही कार्यक्रम है, ये सब कहा आपने, तो इससे अब अर्थ क्या निकला कि इसका मतलब नहीं जाने का आपका मन तो नहीं है, तो फिर अब एक ही मार्ग रहा कि इसका मतलब जाएंगे, इसे कहेंगे परिशेष न्याय। आपने अपने मुख से नहीं कहा कि हम जाएंगे, पर जिस तरह की वो परिस्थिति खड़ी की, अपना ही विश्वविद्यालय है, अपन ने स्थापित किया था, अब भले परिस्थिति बदल गई हो, वे अपने को मुख्य रूप से बुला रहे हैं, ये सब बताया, तो नहीं जाने का मन तो नहीं है। तो भले आपने ये नहीं कहा कि जाना, पर नहीं जाने का मन नहीं है, उससे अपने आप निकल आया कि इसका मतलब आप जाएंगे, इसे कहेंगे परिशेष न्याय। यानी कोई भी दो परिस्थितियां खड़ी करके और एक का यदि निषेध कर दिया जाता है तो दूसरा बिना कहे सिद्ध हो जाता है, इसे कहते हैं परिशेष न्याय। तो शास्त्र अमंगल है ये बात तो खंडित हो गई, तो इसका मतलब ये ही बचा कि शास्त्र मंगल रूप है। तो जब शास्त्र मंगल रूप है तो फिर अलग से मंगल क्यों कर रहे हैं, ये शंका है। समाधान, यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सूत्र के आदि में मंगल किया गया है तथापि पूर्वोक्त दोष नहीं आता है, कारण कि सूत्र और मंगल इन दोनों से पृथक पृथक रूप में पापों का विनाश होता हुआ देखा जाता है। यानी शास्त्र तो हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे और तब उससे परिणामों में विशुद्धि होगी, पापों का अभाव होगा, पर प्रारंभ में ही हमने मंगलाचरण किया, परिणामों में विशुद्धि हुई तो तत्क्षण पापों का विनाश हो गया। मंगलाचरण तो बहुत कम समय का था तो तत्काल फल मिल गया। अब शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते ही पढ़ पाएंगे, तो जब पढ़ेंगे उसके विषय वस्तु को हृदयंगम करेंगे तब कहीं मंगल हो पाएगा। इस तरह दोनों का ही मंगलपना अलग अलग सिद्ध होता है, इसलिए प्रारंभ में मंगल करना चाहिए। निवत्य और अनिवत्य, देखिए ऐसा लेना पर लोक में भी करते हैं। कमरे में लाइट है, फिटिंग है, पक्का अपने को पता, तो फिर वहां से आते समय टॉर्च आदि लेके क्यों आ रहे? कमरे की लाइट तो जब कमरे में पहुंचेंगे, प्लग ऑन करेंगे तब चालू हो पाएगी, और ये के तो हाथ में ही है, इसकी रोशनी तो पूरी फैल गई, तो इसकी ही रोशनी अलग काम करेगी और फिर कमरे की रोशनी अलग काम करेगी, तो दोनों करते हैं अपन। ऐसे ही यहाँ कि मंगल शुरू में किया, तत्काल फल परिणामों में विशुद्धि आ गई, अब इसके बाद हम शास्त्रीय अध्ययन करेंगे, हृदयंगम करेंगे, तो उसका फल अलग मिलेगा, उसमें समय लगेगा, तो पहले तत्काल तो कर लें, फिर आगे जिसमें लंबा काल लगना है वो देखेंगे। निवद और अनिवद मंगल पठन में आने वाले विघ्नों को दूर करता है, यानी स्वयं लेखक ने मंगल लिखा हो अथवा कहीं दूसरी जगह का ले लिया हो अथवा ऐसे मौखिक कर लिया हो, तो जो हम अब अध्ययन करेंगे उसमें आने वाले विघ्न ये समाप्त हो जाते परिणामों में विशुद्धि होने से। और सूत्र प्रति समय असंख्यात गुणित श्रेणी रूप से पापों का नाश करके उसके बाद संपूर्ण कर्मों के क्षय का कारण होता, यानी इसमें तो समय लगेगा, यानी अब हम क्रमशः शास्त्र पढ़ेंगे, पढ़ते समय जो एकाग्रता रहेगी उससे असंख्यात गुणित पापों का नाश, और फिर उसके पूरे हाथ को समझ के
स्वरूप स्थिर होंगे, मोक्ष दशा होगी, तो संपूर्ण कर्मों का चयन, इसमें तो समय लगेगा, मंगल करने में उतना समय नहीं लगना, वो तत्काल, इसलिए प्रारंभ में मंगल कर लिया। ये पद्धति हर जगह अपनाई जाती है। कोई मेहमान आते ना, आप बाहर अगवानी करने गए, वहीं क्या कहते, पधारिए सब, पधारिए। अब उनको अंदर ले आए, अब यहां तक ले आए, पधारिए, तो वहीं से तो पधारिए हो गया था ना। जब भी गाड़ी से उतरे थे वहीं हो गया था ना, कि वहां तो सामान, अब यहाँ कमरे में जहां उनकी पूरी व्यवस्था, तो अब कहेंगे अब पधारिए, अब आराम से बिठा दिए, तो सामान वहां कर लिया, और फिर विशेष यहाँ। अभी लाइट का भी कहा था, जैसे यहाँ प्रारंभ में मंगलाचरण किया, तत्काल परिणामों में विशुद्धि। अब इसके बाद हम क्रमशः पढ़ेंगे, पढ़ते समय जो एकाग्रता रहेगी उससे असंख्यात गुण पापों की निर्जरा होगी, और फिर उसके हार्द को समझेंगे, स्वरूप स्थिर होंगे, परिपूर्ण स्वरूप स्थिरता होगी, मोक्ष होगा, तो कालांतर में संपूर्ण कर्मों का नाश, इसमें समय लगेगा, इस समय सापेक्ष, इसलिए प्रारंभ में तत्काल मंगलाचरण किया। अब इस पर से अगला प्रश्न, शास्त्र से कर्मों का क्षय, देवता नमस्कार भी अंतिम अवस्था में संपूर्ण कर्मों का क्षय करने वाला होता है, इसलिए मंगल और सूत्र ये दोनों ही एक कार्य को करने वाले हैं, फिर दोनों का कार्य भिन्न भिन्न क्यों बतलाया गया। मैंने भगवान को नमस्कार किया हमने मंगलाचरण में, उसका फल होते होते कालांतर में मोक्ष, जिन भक्ति दुर्गतिम निवारयितुं तुम पुण्यानि च पूरितुं दातुं मोक्षस्यं कृतिना, के अंत में मोक्ष मिलना, और हमने शास्त्र का अध्ययन किया, इसको भी होते होते अंत में मोक्ष, तो मोक्ष रूपी फल तो दोनों से फला ना, तो फिर दो दो काम अलग अलग क्यों करना, या आप शास्त्र पढ़िए या मंगल करिए, यानी या भगवान को नमन करिए या शास्त्र पढ़िए, दोनों के फल में अंत में मोक्ष मिलना है, तो फल तो एक ही है। ये शंका, समाधान ऐसा नहीं है, क्योंकि सूत्र कथित विषय के परिज्ञान के बिना केवल देवता नमस्कार में कर्म क्षय की सामर्थ्य नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति शुक्ल ध्यान से होती है, परंतु देवता नमस्कार शुक्ल ध्यान नहीं है। बहुत गंभीर बात कह रहे, देवता नमस्कार से भगवान को नमन करने से विशुद्धि तो बढ़ेगी, परंतु विषय वस्तु का स्पष्ट परिज्ञान नहीं होगा, इसके लिए उनकी वाणी का अवलंबन लेना पड़ेगा, मतलब शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। जब उनका अध्ययन करेंगे, विषय वस्तु हृदयंगम करेंगे, स्वरूप लीनता होगी, तब मोक्ष होगा। तो देवता नमस्कार से तो मात्र परिणामों में विशुद्धि हुई, और उनकी वाणी को हृदयंगम करने से उत्तरोत्तर आत्माराधना बढ़ी, मोक्ष इसका फल। इसलिए शास्त्र स्वाध्याय अलग तरह का लाभ देता है, और भगवान को नमस्कार अलग तरह का लाभ देता है, इसलिए दोनों आवश्यक। भगवान को नमस्कार नहीं करेंगे तो उनकी वाणी की भी महिमा नहीं आएगी, तो लेखक की ही महिमा नहीं, तो हम वाणी को हृदयंगम कैसे करेंगे, और यदि वाणी का श्रवण नहीं करेंगे, लिखे हुए शास्त्रों का अध्ययन मनन नहीं करेंगे, तो वस्तु स्वरूप का परिज्ञान नहीं होगा, वेद ज्ञान नहीं कर पाएंगे, शुक्ल ध्यान नहीं होगा, कोई भी धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान कुछ भी नहीं होगा, तो मोक्ष नहीं होगा। तो दोनों की अलग अलग उपयोगिता
आवश्यकता, इसलिए दोनों आवश्यक। उसने ये कैसे कहा था कि मंगल कठिन नहीं, ये देवता नमस्कार भी अंतिम अवस्था में संपूर्ण कर्मों का क्षय करने वाला होता है। समय सार की 31वीं गाथा, जिनेन्द्र भगवान की निश्चय भक्ति की है हमने, उसका फल क्या निकलेगा? अथवा प्रवचन सार की 80वीं गाथा, अनंत भगवान को स्मरण में लिया, उसका फल क्या निकलेगा? तो उसे भी मोक्ष मिलना है, वो स्वाध्याय करेंगे, फिर क्रमशः आगे बढ़ते बढ़ते शुक्ल ध्यान होना, इससे भी मोक्ष ही होना, तो अंत में मोक्ष तो दोनों का ही फल मिला ना, तो दोनों में से कोई एक किए लेते हैं। या तो देवता नमस्कार जो मंगलाचरण ने किया उसके लिए, हाँ। तो उनके फल में भी तो आखिरकार आगे तो जाकर के हम स्वर्गलीन ही होंगे ना उन्हें देख के, उसे मोक्ष मिलेगा, और शास्त्र पढ़ करके भी स्वरूप लीनता होने उसे मोक्ष मिलना, तो मोक्ष रूपी फल तो दोनों से मिला, तो कोई एक काम ही कर लेना, दो काम क्यों करें? इशंका उत्तर ये दिया, देवता नमस्कार अकेले से वो फल नहीं मिलेगा, इसके बाद बीजो बता रहे उसे हृदयंगम करना होगा, तब कहीं धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान हो पाएगा, और शुक्ल ध्यान की पूर्णता पर मोक्ष होगा। यानी अरहंत भगवान को जानकर अपने को जानना, तो अरहंत भगवान को जाना अब द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से, तो ये द्रव्य रूपता, ये गुण रूपता, ये पर्याय रूपता, ये कैसे पता लगेगी? ये तो शास्त्रों से अथवा उनकी वाणी से, तो अवलंबन बाद में शास्त्रों का लेना पड़ेगा, उनकी वाणी का लेना पड़ेगा, और फिर जब उसको हृदयंगम करेंगे तो फिर आगे बढ़ते 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 मोक्ष होगा। ये तो देवता का देवत नमस्कार का फल मात्र परिणामों में भी शुद्धि, और उनकी वाणी को हृदयंगम करने का फल कालांतर में मोक्ष। यानी इससे दोनों का महत्व एक साथ स्पष्ट कर दिया। यदि देव जिनेन्द्र भगवान के प्रति भक्ति नहीं होगी तो उनकी वाणी का श्रवण कैसे करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन कैसे करेंगे? इसलिए उनके प्रति भी भक्ति आवश्यक है, और यदि उनके प्रति भक्ति से ही संतुष्ट हो गए, वाणी का श्रवण नहीं किया, शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, तो वस्तु स्वरूप जानेंगे कैसे, विश्व व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था कैसे जानेंगे, तो भेद ज्ञान कैसे करेंगे, स्वरूप लीन कैसे होंगे, तो मोक्ष कैसे होगा? तो देव दर्शन भी आवश्यक और फिर स्वाध्याय भी आवश्यक, पर देव दर्शन पूर्वक स्वाध्याय, और स्वाध्याय देव दर्शन के बाद, अपने यहां तो षडावश्यक में क्रम है, देव पूजा, गुरु पास्ती, फिर स्वाध्याय। चूंकि देव पूजा में गुरु उपासना गर्भित है, भगवान की पूजन की, तो वहां देव शास्त्र गुरु तीनों ही, तो पूजन हो गई तीनों की, और फिर स्वाध्याय। और स्वाध्याय पूरा ज्ञानार्जन के लिए नहीं, आत्म विशुद्धि के लिए, और विशुद्धि विशुद्धि के लिए नहीं, शुद्धि के लिए, और शुद्धि अटकने के लिए नहीं, परिपूर्ण शुद्धि के लिए, और परिपूर्ण शुद्धि मतलब मोक्ष दर्शन, एक क्रम। इन्हें देव दर्शन की भी कितनी सुंदर प्रेरणा दे दी, और स्वाध्याय करने की भी कितनी गंभीरता पूर्वक प्रेरणा दे दी।
अब ये तो मंगलाचरण क्यों करना इस पर चर्चा हो गई। अब मंगलाचरण के अर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। अब देवता नमस्कार सूत्र का अर्थ कहते हैं, यानी जो मंगलाचरण में नमन किया था उनका अर्थ। नमो अरिहंतानम, अर्थात अरिहंतों को नमस्कार। अरि अर्थात शत्रुओं के, हननाथ अर्थात नाश करने से अरिहंत है। अरिहंत कौन है, शत्रु क्या है, ये सब विश्लेषण। नरक त्रियंच कुमानुष और प्रेत, इन पर्यायों में निवास करने से होने वाले समस्त दुखों की प्राप्ति का निमित्त कारण होने से मोह को अरि अर्थात शत्रु कहा है। मोहिनी कर्म व मोह, मोह का पूरा परिवार इस शत्रु। क्यों? क्योंकि मोह के कारण जीव गाफिल होता है, पर में आसक्त होता है, पंचेंद्रिय विषय भोगों में उलझता है, अकर्णी कामों को करता है, जिसके फल में नरक त्रियन कुमानुष खोटा मनुष्य, कुभोग भूमि का मनुष्य है, मिलिच्छ मनुष्य है, यहाँ भी हो तो बस खाओ पियो मोह जुड़ाव वाला, और प्रेत में भवनत्रिक भवनवासी व्यंथर ज्योतिषी, क्योंकि मिथ्या दृष्टि वही जाता, सम्य दृष्टि वही मानिक में, और सुमानुष में भी सम्य दृष्टि ही। तो यहाँ मिथ्यात्व के कारण जो दशाएं होती उन्हें गिनाया। इनमें मूल कारण मोह है, मिथ्यात्व पूरा मोह भी ले सकते, इसलिए ये शत्रु अरि। केवल मोह को ही अरि मान लेने पर शेष कर्मों का व्यापार निष्फल हो जाता है, साधन ऐसा नहीं है, क्योंकि बाकी के समस्त कर्म मोह के ही अधीन है। यानी सभी कर्मों का बंध मोह के कारण होता है। बहुत गंभीर प्रकरण है। अन्य किसी भी कर्म का उदय बंध का कारण नहीं है। उपशम छैक वाला तो बंध का कारण होने का प्रश्न ही नहीं, उदय में अवधि के भाव होते तो बंध का कारण नहीं। यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का कितने उदय चले, हमारा ज्ञान एकदम हीन से हीनतर हो गया हो, यानी निबोधिया का अक्षर का अनंत हो गया, तो भी उससे नया कर्म नहीं बंधेगा। वहां जो मोहराग द्वेष है कर्म उससे बंध रहा। ऐसे ही वेदनी कितने ही तीव्र असत्ता का उदय चल रहा हो, सत्ता का चले, भयंकर प्रतिकूलता, उत्कृष्टतम अनुकूलता, पर उससे कोई नया कर्म नहीं बंधेगा। उस समय जो मोहराग द्वेष चल रहे कर्म बंधन उससे होगा। ऐसे ही आयुष्क नाम गोत्र अंतराय कि कैसा भी उनका इनका उदय रहे उससे कोई नया कर्म नहीं बंधेगा। उस समय जो मोहराग द्वेष चल रहा उससे नया कर्म बंधेगा। मोहराग द्वेष के कारण मोहिनी भी और अन्य साथ भी, और अन्य साथ के कारण ना वे अन्य साथ और ना मोहिनी, यानी किसी भी कर्म का बंध नहीं होता। तो प्रधान तो मोह हो गया। अब देखो कितनी विडंबना, यानी विचार करना गंभीरता से। असली कारण कौन रहा? अपने दुख का निमित्त। अपन सुखी होने के लिए कहां प्रयास करते, शरीर में बीमारी आ गई, दुख का कारण क्या है?
तो बीमारी मौत। अपन प्रयास कहाँ करेंगे, ये बीमारी मिटाए, हम इससे दुखी। इन्हें जिनागम से कितनी उल्टी सोच चल रही अपनी, ऐसा हर संयोग में लगा लेना, मान लो गरीबी आ गई, हम गरीबी के कारण दुखी हैं कि मोह के कारण, अब प्रयास कहाँ करेंगे, गरीबी मिटा। परिवार अनुकूल नहीं है, कुटुंब अनुकूल नहीं है, समाज में इज्जत नहीं मिल रही, तो हम दुखी, प्रयास कहाँ करेंगे, परिवार अनुकूल हो जाए, कुटुंब अनुकूल हो जाए, समाज इज्जत देने लगे, और जबकि दुखी तो मोहराग देश से ही। यानी जो दुख का कारण वहां परिवर्तन का सोचते भी नहीं है, बस बाहर के परिस्थितियों में ही परिवर्तन की दिशा में प्रयास करते रहते, ये हटाओ ये मिलाओ ये करो एक, बस इसमें परिणाम निकलता असफलता। कितना गंभीर वाक्य कि इन सब का कारण मात्र मोह है, शेष कर्म मोह के अधीन है, मोह गया तो बाकी सब गए, और मोह है तो बाकी के परिवर्तन से कुछ फर्क नहीं पड़ना। यानी स्वस्थ भी हो जाएंगे तो भी सुखी नहीं होंगे, खूब धनी हो जाएंगे तो भी सुखी नहीं होंगे, और मोह चला गया तो भयंकर। मोह में क्या लेना, जड़ या अपना विकारी, वो तो निमित्त मात्र है, मूल तो अपना पड़ना। यानी शरीर आदि को अपना मानना, शरीर के प्रति अपनत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मान्यता है, और उसके अनुसार अनुकूलता प्रतिकूलता निराग देश। तो सारी जड़ तो ये है, तो अपने को लग रहा है सब बाहर का, तो सारा परिवर्तन वहां करना चाहती। कितना गंभीर बात है, हृदयंगम हो जाए तो जीवन बदल जाए, ऐसा बाकी से कुछ लेना देना नहीं, और बाकी भी मोह के अधीन है। मोक्षवान प्रकाशक में तो कितना कितना लिखा, मोह कम हो तो प्रतिकूलता भी उसे कोई मायने नहीं रखती। उदाहरण दी है, एक को मोटा कपड़ा मिला तो भी मस्त है, खुशी, मोह कम है उसके। एक को बढ़िया सुपर फाइन मलमल और फिर भी दुखी, क्यों, मोह ज्यादा है। लाभ हानि का भी, उन्हें लाख रुपए कमाता था, आज 10,000 का घाटा हो गया, तो 90,000 तो अभी मिले ना उसको, तो भी दुखी। वो एक को मात्र 1,000 रुपए रोज मिलते थे, आज ही 10,000 मिल गए, तो तुलना में तो इसके पास मात्र 10,000, उसके पास 90,000, और सुख दुख, वो 90,000 वाला रो रहा और 10,000 वाला खुश। तो सामग्री से सुख दुख का संबंध है, इससे उसके पास 9 गुना अधिक है, वो तो भी रो रहा घट घट घट। यानी परेशान मोहराग देश के कारण है। वास्तव में यदि सुखी होना चाहते हैं तो मोहराग देश को नष्ट करने की दिशा में सकते हैं, और मूल मोह शरीर आदि को अपना मानना। यानी हम स्वयं शाश्वत भगवान आत्मा है ऐसा नहीं मानना, बस इसके कारण परेशान, तो ऐसा मानने लगे। दुखी दुखी दुखी, तो बाकी समस्त कर्म मोह के ही अधीन है। मोह के बिना शेष कर्म
अपने अपने कार्य की उत्पत्ति में व्यापार करते हुए नहीं पाए जाते हैं। क्या लिख रहे, वो जो अभी उदाहरण लिया था ज्ञानावरण दसनावरण कर्म का बहुत उदय चल रहा है। अपन सैनी पंचिन रही तो इतना तो रहेगा ज्ञान, पर अधिक विकसित नहीं पाना, यानी वो श्रीभूति मुंडा जैसी दशा हो रही, यानी मारुस मातुस भी याद नहीं रह रहा, मात्र अष्ट प्रजन मातृका का भाव भाषण है। मोह है तो कितना अपमान महसूस कर रहे, सब कह रहे बुद्धि में गोबर भरा है क्या, इतना भी याद नहीं रहता, तो परेशान परेशान परेशान। अब मोह नष्ट हो गया हो तो बार में गुणस्थान में भी उतना ही ज्ञान रहा, यानी शिवभूति मुनिराज को बारह में गुणस्थान में भी मारुस मातुस याद नहीं आया, पुण्य सुखी। तो कहां ज्ञानावरण दसनावरण उन्हें दुखी कर पाया, ज्ञान तो बिल्कुल नहीं बढ़ा, तो सुख पुण्य सुखी हो गए, बारह में गुणस्थान पुण्य सुखी यथाख्या। अब यही स्थिति कदाचित शरीर की हो, भयंकर उपसर्ग हो रहा हो, भयंकर बीमारी हो, और वैसी स्थिति में बारहवां गुणस्थान हो गया पूर्ण सुखी। तेरहवें में तो शरीर ही बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी, पर बारहवें में तो नहीं बदला अभी, तो भी पूर्ण सुखी। यानी बाकी कर्म भी मोह के अनुसार मचेंगे, मोह नष्ट हुआ अथवा कम हुआ तो उस अनुसार पर बाकी का भी योगदान रहेगा। तो अपने अपने कार्य की उत्पत्ति में व्यापार करते हुए नहीं पाए जाते। आठ वर्ष की उम्र में, आठ वर्ष और कुछ दिन की उम्र में मरण हो कैसा लगता है? अरे बेचारा कुछ नहीं कर पाया, उम्र ही नहीं पाई उसने। आगम पता क्या कहता है, इसमें आएगा आगे, इस पहली पुस्तक में नहीं बाकी में। बहुत सुंदर प्रश्न खड़ा किया, प्रकरण चल रहा अंतर्मार्ग का, यानी बीच में गैप, तो प्रकरण वहां ही कि देवगति का एक देव मर के यहाँ आया, अब वह कितने काल बाद पुनः वहां पहुंच सकता है सम्यक दृष्टि देव है। तो वे लिखते आठ वर्ष और कुछ अंतर मुहूर्त काल बाद, मान लो अनुदेश आदि का ले ले, वहां तो नियम से सम्यक दृष्टि ही जाते अनुदेश अनुत्तर में, तो कैसे या मनुष्य होगा आठ वर्ष का होने के बाद दीक्षा ली, आत्माराधना की, समाधि हो गई पुनः अनुदेश में। तो वहां प्रश्न खड़ा किया कि सम्यक दृष्टि तो अल्पायु पाते ही नहीं, दत्तकरण श्रापकाचार में आचार्य समंत भद्र स्वामी लिख रहे दुष्कृत विकृत अल्पायु ना बिरजति, कि अल्पायु सम्यक दृष्टि जीव नहीं पाता, तो आठ वर्षों कुछ अंतर मुहूर्त अल्पायु नहीं हुई, मैं लिखते नहीं अल्पायु नहीं है, क्या कह रहे अल्पायु नहीं कि हाँ। जहां तक अपना कुछ करने की सामर्थ नहीं हो उतनी आयु को अल्पायु कहते हैं, यानी आठ वर्ष से कम आयु को अल्पायु कहते हैं, और आठ वर्ष से अधिक आयु भले कुछ ही अंतर मुहूर्त अधिक वो अल्पायु नहीं है। क्यों? अब तो करने की सामर्थ्य है, अब जिसको नहीं करना तो वो तो आठ क्या साठ का भी हो जाएगा तो भी नहीं करेगा, और जिसको करना है वो तो आठ में ही कर लेगा। तो आठ वर्ष की आयु पाई मतलब दीर्घायु,
कितना गजब का सिद्धांत। आठ वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त, बस ये अल्पायु नहीं। अब वो तो नहीं करने के बहाने में तो अभी कहा ना कि 60 वर्ष वाला भी कह सकते, तो जिसे नहीं करना तो कितने लंबा जीवन मिल गया नहीं करना। आठ वर्ष और कुछ अंतर मुहूर्त जीवन पाने वाला जीव पुनः अंतरिक्ष में पहुंच सकता है, तो कहां अल्पायु गजकुमार, कहां अल्पायु अपने बस थोड़ी सब समय कम मिला, समय कम मिला, ये समय कम मिला, ये करना नहीं है। ये आठ वर्ष पा लिया तो समय तो मिल गया, अब समय का रोना मत रो, अब तो अपने प्रमाद को दोष दो, अपनी अरुचि को दोष दो, समय को दोष मत दो। तो उसको तो 8 वर्ष तक तो कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ, तो कब तक अल्पायु कहलाएगा? तो जो कुछ अंतर मुहूर्त है बस वो आयु हुई, हाँ, करने लायक, हाँ, तो उसी कर में कुछ करेगा। हाँ, और चूंकि सम्यक तो लेके आया था, अंतरिक्ष से आया था, तो बस उतना 8 वर्ष पूरा होगा, दीक्षा ले ली, कदाचित श्रेणी का आरोहण कर लिया उपसम श्रेणी का, और फिर जाकर कहाँ पहुंच गए। जो आपने कहा तीन स्थान में ये शरीर बदल जाते हैं, तो वो जो परम अवतारिक हो जाता है, तो वो सारे शरीर परमाणु नए आ जाते हैं या वही परमाणु परम अवतारिक रूप हो जाते हैं? दोनों ही कह सकते, क्योंकि अपने शरीर से भी प्रति समय सब निकल रहे हैं और नए नए आ रहे हैं, यानी प्रति समय सिद्धि राशि के अनंत गुण और अभव्य राशि, सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव्य राशि से बाधर दिहोदिया जीव रहते थे, अब वो तरलता नहीं रही, सब सघन हो गए, तो वही बदल गए, ये भी कह सकते हैं। यानी अपने जैसा कि आकार प्रकार ऐसा का ऐसा बना रहे थे, तो वही है, ये भी कह सकते हैं। और वैसे देखें तो पूरे बदल रहे, डॉक्टर लोग भी कहते हैं 5 साल में पूरे शरीर बदल जाता है, पर कहाँ बदलता है, ऐसा का ऐसा बना रहता, तो बदल करके भी नहीं बदलता, तो दोनों अपेक्षा, यानी आकार प्रकार वैसा का वैसा रहा, तो ये भी कह सकते कि वही रूपांतरण हो गया, परंतु परमाणु प्रति समय पुराने निकल रहे हो नए आ रहे, तो ये भी कह सकते कि सपन बदल गया। दोनों अपेक्षाएं स्याद बात में कहीं कोई विरोध नहीं, वो केवल कर्मणु बनना के परमाणु नहीं, नहीं ये नौ कर्म के भी शरीर के, वो जो सिद्ध राशि से, हाँ, ये नौ कर्म के लिए भी, यानी अकेले कर्म के लिए नहीं, दोनों के लिए, तो ये अपने शरीर के लिए भी, और अपन शरीर का तो अनुभव भी करते, ये जो होता है पहले किसी नए स्थान पर जाएं तो वहां का हवामान आदि अनुकूल नहीं पड़ता। अपने स्मारक में दक्षिण भारत के जब आते विद्यार्थी, एक दो वर्ष तक बहुत बीमार रहे थे, क्योंकि यहाँ तो ठंड में भयंकर ठंड, गर्मी में भयंकर गर्मी, और वहां तो समशीतोष्ण वातावरण, तो 2 साल तक बीमार बीमार बने रहते। अब धीरे धीरे यहाँ के परमाणु से उनका शरीर बनने लगे, तो होते होते फिर यहाँ स्वस्थ रहने लगते, और अपने घर जाते तो वहां बीमार रहने लगते। क्यों हुआ ऐसा कि अब वो यहाँ कैसे बन गए शरीर, वो पुराने सब निकल गए, यहाँ के इकट्ठे हो गए, तब ये वातावरण अनुकूल पड़ जाता, वो प्रतिकूल पड़ जाता, तो ये स्पष्ट ख्याल में भी आता है, अपन भी देख सकते, यानी शुरू शुरू में वही वातावरण प्रतिकूल लगता और रहते रहते फिर स्वस्थ रहने लगते उसमें।
पहली बार यहाँ ठंड में आई थी और अब कुछ नहीं चल जाता था। पहली बार ज्यादा परेशानी हुई थी। यानी ये शरीर में भी होता है, अकेले कर्म में नहीं, और आगम तो कह ही रहा कि कर्म नो कर्म दोनों में, सिद्ध राशि से सिद्ध राशि के अनंत में भाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे परमाणु पुराने निकल रहे और नए आ रहे प्रति समय, कर्म के भी और नो कर्म के भी। सर देखना में ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब तक हो उपाय तब तक इसको बचा करके रखना? तो वो तो ही है कि आपका ही शत्रु है क्या? शत्रु तो नहीं है तो, लेकिन क्या हमको तो आत्मा आराधना करना, तो आत्मा आराधना करिए ना। तो आत्मा आराधना के लिए जब तक यानी बाहर की सब चीजों को त्याग नहीं कर देंगे, नहीं करेंगे तो उसके उसके लिए तो अपन त्याग कर रहे हैं ना। नहीं, ये गलत है। देखो लोक में आप किसी नौकर से काम लेना चाहें और मेहनत आनंद ना दें, न्याय की अन्याय। तो शरीर से आप काम तो लेना चाहते हैं, यानी चलता रहे, फिरता रहे, देखता रहे, सुनता रहे, और इसका मेहनत आना कोई रुपयों में तो होता नहीं, इसका मेहनत आना तो भोजन पाना, और वो भी इसके अनुकूल भोज नहीं दें तो अन्याय नहीं किया। तो यदि आप इससे काम लेना चाहते हैं तो पूरी ईमानदारी से इसका मेहनताना दीजिए। और काम नहीं लेना हो आप प्रायोपगमन संन्यास धारण कर लीजिए, पड़ जाइए शिला पर, फिर इसको कुछ मत दीजिए। अब शरीर को हम एक तरफ माने अनंत द्रव्यों का पिंड माने, अगर अनंत द्रव्यों का पिंड माने तो अनंत को उसका अलग अलग भोजन है। एक पिंड मान के एक कुल भोजन क्यों दे? अभी जो कि हाथ का काम हाथ से ले रहे हैं, पैर का काम पैर से ले रहे हैं, उसका भोजन अलग दे, इसका भोजन अलग दे, इसके परमाणु का अलग दे, इसके परमाणु, जो कि वो एक संगठित संरचना है। यानी ये आठ अंग का एक शरीर, आठ अंग के आठ शरीर नहीं, एक शरीर। देखो ये तर्क तो आत्मा में भी लगा सकते हैं, आत्मा अनंत गुणों का अखंड पिंड। हम कहें हमें तो सुख से मतलब, तो हम तो अकेले सुख की आराधना करेंगे, मिलेगा सुख? तो कोई से गुण की आराधना करो, सभी गुण की है। नहीं है ऐसा, यानी एक गुण की आराधना मिथ्या तो है, तो अनंत गुणों के अखंड पिंड आत्मा की आराधना करनी होगी। यानी किसी एक गुण की आराधना एक गुण भेद में अटक गए मिथ्या, तो अनंत गुणों का अखंड पिंड आत्मा, तो जैसे वहां अखंड की आराधना, ऐसे ही आठ अंग वाला शरीर एक अखंड पिंड, तो अखंड संबंध वाले हैं ये जो शरीर के अंग है, ये तादात्म्य संबंध वाले नहीं। वैसे तादात्म नहीं, पर एक दृष्टि से तादात्म है, यानी घनिष्ठतम एक क्षेत्रा हुआ है संबंध, जहां इसके परमाणु वही हमारे प्रदेश, जैसा इसका आकार वैसा हमारे प्रदेशों का आकार। तादात्म कहा, एक परमाणु का दूसरे परमाणु से तादात्म नहीं। तादात्म मतलब, तादात्म के दो अर्थ होते, एक तो बिल्कुल उस रूप और एक उसके आकार। तो चूंकि अत्यंताभाव है तो आत्मा के प्रदेश उस रूप तो नहीं है, पर एक घनिष्ठतम एक क्षेत्रावगाह संबंध है, तो उसके आकार यानी बिल्कुल सांचे में ढला हुआ, कि जैसा शरीर का आकार बिल्कुल वैसा आत्म प्रदेशों का आकार, तो ऐसा तादात्म तो है। इसको संश्लेष संबंध कहा जाता, इसके लिए पर्टिकुलर शब्द है संश्लेष संबंध। तो वो है, तो जब वो है तो उसको फिर स्वीकार भी करना पड़ेगा, और उसके अनुसार निमित्त निमित्त संबंध में भोजन पानी भी, और चूंकि वो अखंड है तो सारा सब कुछ अखंड,
और जैसे अनंत गुणों के अखंड पिंड आत्मा की आराधना ज्ञान की मुख्यता से की, उसको लक्षण बनाया, उसके माध्यम से इन्हें चेतन को मुख्य करके आराधना की। ऐसे ही इस शरीर का मुखिया है मुख, तो इसमें डालते जाओ वो सब जगह पहुंचा देगा। तो जैसे वहां ज्ञान को मुख्य किया था, यहां मुख को मुख्य करना पड़ेगा। तो वहां ज्ञान से पूरे अखंड आत्मा की आराधना की, सब कुछ उपलब्ध हो गया, यहां मुख में उसके अनुसार डाल दो तो वो सबके पास भेज देगा, सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। ये उपाय नीतिकारों तो मुख का उदाहरण मुखिया के लिए भी दिया, मुखिया को संबोधन दिया, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, पोले पाले पोसे सकल ये तो कर्म बंधन कि वो कैसे परिणाम हो जाता, पर तो नेता का कि नेता ऐसा चाहिए कि जैसे मुख में डाला गया भोजन पक्षपात नहीं करता, कि चूंकि मुख ने खाया तो हम यहाँ ज्यादा ले लेंगे, हाथ पैर को कम देंगे नहीं, जिसको जो चाहिए बराबर वो दे देगा। नेता ऐसा चाहिए पक्षपात के बिना, बोले पाले पोसे सकलन, ऐसा नेता होना चाहिए। बहुत बढ़िया पंक्ति है ये, बाकी के समस्त कर्म मोह के ही अधीन, अपने कार्य की उत्पत्ति में व्यापार मोह के बिना नहीं कर पाते। तो यदि कहीं पुरुषार्थ करना है तो मोह के नाश में, और मोह का नाश मतलब अपने को शाश्वत मानो, क्योंकि अपने को शाश्वत नहीं मानना यही है मिथ्या। और ये है तो बाकी सब कुछ है, क्योंकि शाश्वत नहीं माना पर्याय में आ सकती रहेगी, पर्याय मात्र अपने को मानेंगे और पर्याय मात्र मानेंगे तो फिर सारे वो वैराग देश घर परिवार आदि, और शाश्वत माना तो किसका घर किसका परिवार, सब धर्मशाला लगेंगे, परिवार जन सब मेहमान लगे तो मेहमानों पे कितनी प्रीति होती, धर्मशाला में कितनी आसक्ति होती, जैसा लगने लगेगा सब। यानी एक शाश्वत मानने मात्र से कितने संकट टल गए, कितनी समस्याएं समाप्त हो गई, इतने से इतना सा काम करना है। हर प्रसंग में अपने को शाश्वत माने, सारी समस्याओं का समाधान। तो मोह के बिना शेष कर्म अपने अपने कार्य की उत्पत्ति में व्यापार करते हुए नहीं पाए जाते हैं, जिससे कि वे भी अपने कार्य में स्वतंत्र समझे जाए, अकेले भी कुछ कर ही नहीं पाते। इसलिए सच्चा अरि मोह ही है और शेष कर्म उसके अधीन है, वे तो उसके कर्मचारी जैसे, ये जैसे उनको आज्ञा देगा वैसे करते जाएंगे। वही ये खत्म तो बाकी कर्मचारी भी अपने आप निष्क्रिय हो गए। शंका, मोह के नष्ट हो जाने पर भी कितने ही काल तक शेष कर्मों की सत्ता रहती है, इसलिए उनका मोह के अधीन होना नहीं बनता। यानी मोह तो नष्ट हो गया 12वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय भी चला गया। इसके बाद भी आयु नाम गोत्र और वेदनी 8 वर्ष
और कुछ अंतर मुहूर्त कम एक कोटि पूर्व तक रह सकते, तो इतने काल तक ही कर्म बनी रही ना, तो मोह के अधीन कहां रही, ये प्रश्न है। समाधान, ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि मोह रूप अरि के नष्ट हो जाने पर जन्म मरण की परंपरा रूप संसार के उत्पादन की सामर्थ्य शेष कर्मों में नहीं रहने से उन्हें कर्मों का सत्व असत्व के समान हो जाता। वही प्रवचन साहब की गाथा औदय की छाय की बात, उनका उदय चल रहा तो वो तो छाय के समान, वो संसार कहां बढ़ा रहा। उन्हें भले ही 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व तक रह रहे, अनंत सुखमय दशा में, सकल परमात्मा दशा में, तो उन्हें बाधा क्या है, ठाक से रह रहे और नियम से अब मुक्त होंगे, तो क्या समस्या है। तथा केवल ज्ञान आदि संपूर्ण आत्म गुणों के आविर्भाव के रोकने में समर्थ कारण होने से भी मोह प्रधान शत्रु है। यानी पहला कारण तो कि सब कर्मों का मुखिया एक, सारे कर्म इसके अधीन, इसलिए भी मोह ये अरि। अब दूसरा कारण कि केवल ज्ञान आदि संपूर्ण आत्मगुणों के आविर्भाव यानी प्रकटता के रोकने में समर्थ कारण ये मोह है। जहां कहां रोक पाया मोह, केवल ज्ञान को कहां रोक पाया, ये तो इसने पुरुषार्थ किया इसलिए, तो वो तो आत्मा तो सहने है ही महिमावान, पर नहीं पुरुषार्थ करता तो जब तक मोह रहता तब तक केवल ज्ञान आदि नहीं हो पाते। और जहां इसने अपने को शाश्वत आत्मा मान के पूर्ण स्थिरता की, वो नष्ट हुआ तो केवल मुख्य कारण तो स्थिरता हुआ, मोह का ज्यादा क्या हुआ, क्योंकि मोह जाने पर भी जो अज्ञान दशा थी, ज्ञान का अधिक भाव था, वो बचा हुआ था, वो गया तीर में या बाल में के अंत में, तो उसमें समय कितना सदा, समय की बात नहीं, यही यहाँ कह रहे हैं। वो है गया तो नियम से अंतर मुहूर्त में सकल परमात्मा होने वाला, वो तो चौथे गुणस्थान में आ गया तो भी सकल निकल होने वाला है, वो तब तो अभी समय लगना जाने लग सकता है, तब तो अभी समय लगना, पर जहां वो है गया यानी बारहवें में आया, बारहवें गुणस्थान का उत्कृष्ट काल 4 क्षुद्रभाव प्रमाण, 1 श्वास के 18वें भाग में 1 क्षुद्रभाव होता, तो 4 क्षुद्रभाव यानी घड़ी के हिसाब से 1 सेकंड भी नहीं। ये विकृति जहां मिटी, सारा खेल खत्म, इसलिए भी मोह को प्रधान शत्रु कहा। यानी केवल ज्ञान आदि संपूर्ण आत्म गुणों के आविर्भाव को के रोकने में समर्थ कारण होने से भी मोह प्रधान शत्रु है, और उस शत्रु के नाश करने से अरिहंत यह संज्ञा प्राप्त होती है। ये तो एक हो गया। अब दूसरा भी ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का भी, अथवा रज अर्थात आवरण, यानी ज्ञानावरण और दर्शनावरण, इनका नाम रज, इन कर्मों के नाश करने से अरिहंत है। ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म धूली की तरह बाह्य और
अंतरंग स्वरूप समस्त त्रिकाल गोचर अनंत अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय स्वरूप वस्तुओं को विषय करने वाले बोध और अनुभव के प्रतिबंधक होने से रज कहलाते पर पदार्थों का बोध और अपना वेदन भी अनुभव भी इनमें इनको रोकने में कारण ज्ञानावरण दशनावरण मोह को भी रज कहते हैं क्योंकि जिस प्रकार जिनका मुख भस्म से व्याप्त होता है उनमें जिम्म भाव अर्थात कार्य की मंदता देखी जाती उसी प्रकार मोह से जिनका आत्मा व्याप्त हो रहा है उनके भी जिम्म भाव देखा जाता है अर्थात उनकी स्वानुभूति में कालुष्य मंदता या कुटिलता पाई जाती। पहले दूसरे गुण स्थान में तो कुटिलता ही कलुषता ही और आगे फिर मंदता। इस तरह से तीनों ही शत्रु हो गए। यहां पर केवल तीनों अर्थात मोहिनी ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के ही विनाश का उपदेश क्यों दिया गया? समाधान, ऐसा नहीं समझना चाहिए क्योंकि शेष सभी कर्मों का विनाश इन तीन कर्मों के विनाश का अभिनाभावी है। ये गए तो बाकी भी नियम से जाने वाले अर्थात इन तीन कर्मों के नाश हो जाने पर शेष कर्मों का नाश अवश्यंभावी है। इस प्रकार उनका नाश करने से अरिहंत तो होते हैं। अब इसके बाद अंतराय का आगे आ रहा रहस्य में अथवा रहस्य के अभाव में भी अरिहंत तो होते हैं। रहस्य है अंतराय, रहस्य अंतराय कर्म को कहते हैं। अंतराय कर्म का नाश शेष तीन घातीय कर्मों के नाश का अभिनाभावी है और अंतराय कर्म के नाश होने पर अघातीय कर्म भ्रष्ट बीज के समान निस्तब्ध हो जाते, यानी बीज गल चुका जल चुका उसके समान। ऐसे अंतराय कर्म के नाश से अरिहंत होते। ये अपने कवि पंडित दौलत राम जी कृत देव स्तुति, यानी उनको कितना इसका ज्ञान था इसका अनुमान लगाइए। सकल गेय ज्ञाय तदपि निजानंद रसली सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस भी। अरि मोहिनी कर्म, रज ज्ञानावरण दर्शनावरण, रहस अंतराय। इन चार घाती कर्मों से जो रहित उन सकल परमात्मा को नमस्कार। उनके ख्याल में ये बात थी, अरि यानी मोहिनी कर्म, रज यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण और रहस्य यानी अंतराय। तो इन चार घाती कर्मों से रहित। बहुत अच्छा प्रकरण है। अकेले अंतराय में इतनी ताकत है जितना तीन में। अगर अंतराय का नाश हो गया तब भी तीनों का नाश हो जाता है ना? नहीं तो ये तो तीनों तो एक साथ ही जाते हैं। एक साथ जाते हैं ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, तीनों एक साथ जाते हैं। इसमें आगे पीछे का भेद नहीं, मात्र मोहिनी पहले जाता, मोहिनी पहले फिर अंतर्मूर्त वादे तीनों एक साथ, इसलिए फिर इनमें आगे पीछे का कोई भेद ही नहीं। बहुत सुंदर प्रकरण है। यानी सुखी होना है तो कुठाराघात किस पर करना और अपन किसके पीछे लग रहे? उन्होंने अंतराय कर्म को ही मुख्य क्यों किया? अघाती कर्म मुख्य नहीं किया लिखा। रहस्य का मतलब अंतराय कर्म। हाँ, और अंतराय कर्म के कारण से अघाती कर्म भ्रष्ट नहीं, वो तो सब ही, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय एक साथ जाते हैं। वो मोहिनी पहले चला गया
कहने चारों घाती कर्म नष्ट हो गए। तो अब अघाती कैसे रहे, भ्रष्ट बीज के समान, तो वो तो नियम से जाना है जी। ने अंतराय को मुख्य किया ही नहीं, ये चार घाती कर्म है नष्ट हो गए, चारों के नाम है। हाँ, यानी अंतराय कर्म नाश होने पर, यानी अंतराय का मतलब है चारों कर्मों का नाश होने पर, कर्म पूरा पूरा वक्त है ना, अंतराय कर्म तीन घातीय कर्मों के नाश का अभिनव है। और अंतराय कर्म का नाश शेष तीन घातिया कर्मों के नाश का अभिनव खत्म हो गया, यानी मोहिनी कर्म तो पहले नष्ट हो गया। अब इसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीन एक साथ नष्ट होते, और जहां ये नष्ट हुए तो आघाती कर्म जले बीज के समान, कि अब उनमें उगने की ताकत नहीं रही। तो भले ही तेरहवें गुण स्थान में कुछ कम एक कोटि पूर्व तक भी रहने पर संसार बढ़ने वाला नहीं है, सकल परमात्मा बन के रही जली ज्योति के समान हो गए, अब किसी भी रूप में बंधे नहीं होंगे। ये तो हुआ अरिहंत इस शब्द का विश्लेषण। अब चूंकि अरहंत भी आता है, तो अब अरहंत शब्द को लेकर के विश्लेषण। अरिहंत में तो अरि और हनन, अब अरहंत में अरह शब्द, अरे यानी होता है पूजन योग, तो उसको लेकर के अब अर्थ। अथवा सातिशय पूजा के योग होने से अरहंत होते हैं, क्योंकि गर्भ जन्म दीक्षा केवल और निर्वाण इन पांचों कल्याणकों में देवों द्वारा की गई पूजाएं देव असुर और मनुष्यों को प्राप्त पूजाओं से अधिक अर्थात महान है, इसलिए इन अतिशयों के योग्य होने से अरहंत कहते हैं। यानी मूल शब्द अरहन, उसका पर बहुवचन अरहन अरहत अरहंता, ऐसा सात से पूजा के योग्य। देवों को भी बहुत रिद्धियां होती, असुर में भवनत्र भवनवासी ज्योतिषी, मनुष्य में ज्योतिष में आते हैं, असुर में भवनत्र, यानी जब सुर असुर भेद सूर्य चंद्र आ जाएंगे तो वहां पर प्रकाश कौन देगा, कहा वो तो विमान, तो विमान थोड़ी आते यहाँ, यानी वो तो उनके घर, अपने में यहाँ आए तो घर थोड़ी यहाँ आए, जैसे सूर्य चंद्रमा आएंगे पर विमान तो उनके घर प्रकाश विमान घर है, हाँ विमान दे रहे हैं उनके घर इतने प्रकाशमान, और वे तो स्थाई, तो जहां घूम रहे वही घूमेंगे, रहने वाले बदलते जाएंगे, तो रहने वाले कहीं चले भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब सुर असुर कहते हैं तो सुर में आते हैं वैमानिक और असुर में भवन, जो क्रियंच होते हैं समोषण आदि, वो उनकी पूजा में तो शामिल लेते हैं। हाँ, भाव से तो है ही, और ऐसे भी क्योंकि सैनी पंचेंद्री उनमें वैसे ले, तो जब सौ इंद्र लेते हैं तो त्रियंचों का मुख्य भी आ जाता, ऐसे सामान्य कथन, वैसे तो स्वइंद्रों में आता है। इसमें एक विशेष जो आपकी वो चर्चा हुई थी उसको लेकर के, यानी ये जो पांच कल्याणक हो रहे तीर्थंकरों के होते, तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो आता तेरहवें गुण स्थान, तो फिर गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक दीक्षा कल्याणक
अथवा गर्भ में आने के 6 महीने पहले से रत्न वृष्टि आदि, ये सब किसका कार्य? ये आपके परिचर्चा में बहुत प्रश्न हो रहा था, ये जो दीपावली के अवसर पर पांचों कल्याणकों की परिचर्चा हुई थी उसमें समाधान इसका वास्तविक है उसमें तो नहीं आ पाया था। समाधान ही है जो तीर्थंकर प्रकृति है, इसका स्थिति बंद होता है अंत है कोड़ा कोड़ी साकार। उत्कृष्ट मध्यम देखें सब इसमें ही गर्भ है, अंत है कोड़ा कोड़ी साकार। ये कोड़ा कोड़ी सागर पर तो आवाधा काल होता है 100 वर्ष, और ये कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर अंदर का हो, यानी अंत कोड़ा कोड़ी सागर हो, उसका आवाधक काल होता है अंतर्मूर्त, मात्र अंतर्मूर्त, यानी अंतर्मूर्त के बाद उसका उदय आने लगेगा। अब उदय तो आना है 13वें में, और यहां बनने तो लगे थे 4थे से, अंतर्मूर्त बाद उदय आने लगा, तो क्या होगा फिर? क्योंकि मूल उदय तो 13वें में आना, तो फिर एक व्यवस्था कि जो नाम कर्म के अन्य प्रकृतियां हैं, शुभ सुभग सुस्वर आदि इत्यादि, इन रूप में स्तुविक संक्रमण हो करके उदय आएगा। तो जब उन रूप स्तुविक संक्रमण होगा तो उन प्रकृतियों में विशेषता आ जाएगी उनके उदय में, और उनके उदय की विशेषता में यहाँ ये सब ठाकरा जाओ। स्तुविक मतलब अन्य रूप से परिवर्तित होकर। देखो इसको ऐसा नहीं, अपन ऐसा नहीं हो रहा, इसमें ही आने वाला आगे मारिना में जो नाम कर्म है, नाम कर्म तो उसमें गति नाम कर्म, आयु कर्म तो कभी कभी बनता है, यानी अपन मनुष्य का ले हैं तो भुज्यमान आयु का त्रिभाग निकल जाए, और फिर इसमें 8 अपकर्ष काल मिलने पर, ओलेशिया के मध्यम अंश मिलने पर तब आयु बनेगा, पर शेष 7 कर्म निरंतर बंद रहे तो नाम कर्म निरंतर बंद रहा, उसका एक वेद गति नाम कर्म वो भी निरंतर बंद रहा, तो एक ही भाव में चारों ही गतियों का बंध हो जाता, और अनेक अनेक मार क्योंकि निरंतर बंध रहा ही। अब भोगने को कौन सी गति मिलेगी कि जो आयु बंधेगी ना वो मुक्त हो जाएगी? जैसे अपन पूर्वभाव से जोड़ लें कि पूर्वभाव में अपन ने मनुष्य आयु बांधी और चारों गति भी बांधी, तो चूंकि अभी मनुष्य आयु भोग रही है तो मुख्य गति तो हो गई मनुष्य गति। अब बाकी जो 3 गति के परमाणु बंधे हुए उनका क्या होगा कि वे मनुष्य गति रूप में बदल बदल करके उदय में आके खेलेंगे, इस प्रक्रिया का नाम स्थितिभुक संक्रमण। तो होगा क्या फिर कि मनुष्य तो हम मूल हैं वर्तमान में, अब इस समय ही हमारे पूर्ववत 3 गति के परमाणु खिल रहे, तो वे सीधे तो खिल नहीं सकते क्योंकि हैं तो हम मनुष्य, तो वे स्थिभुक संक्रमित हो करके खिलेंगे, यानी मनुष्य रूप में हम जितने पशु हो सकते उतने पशु तो बताऊंगे। आदरणीय पंडित जी साहब का फुपकारता है, ऐसा हो जाएगा, रहेगा मनुष्य और गधों जैसी दुलकती चलाएगा और सांप जैसा फुपकारेगा कुत्ते जैसे भौंकेगा, तो ये वो 3 गति के परमाणु खेल रहे हैं। यानी मनुष्य है तो गधा तो नहीं बन सकता, पर गधे जैसी प्रवृत्ति करने लगेगा मनुष्य रूप में, और कुत्ता तो नहीं बन सकता पर कुत्ते जैसी प्रवृत्ति करने लगेगा मनुष्य रूप में, सीधा सांप तो नहीं बन सकता पर सांप जैसी प्रवृत्ति करेगा, लड़ाएगा धमकाएगा फुकाएगा भौंकेगा दुलत्ती चलाएगा, सब ऐसा पशु जैसा।
ये है स्थिति संक्रमण। यानी मनुष्य गति में जितनी पशुता हम ला सकते वो आ जाए, ये भी बहुत गंभीर प्रकरण। यानी जो खड़े खड़े लघु शंका दीर्घ शंका के आते हैं ना, ये त्रियंच गति का स्थिति संक्रमण हो रहा है। उन बेचारों का शरीर खड़े खड़े करना पड़ता, अब उसका उदय अपने भी चल तो खड़े खड़े लघु शंका ऐसा नहीं है। देखो क्रोध आपके आता है, आप थोड़े जागरूक रहते हैं तो मंद कर लेते हैं कि नहीं, यानी उदय तो आएगा पर उस उदय के अनुसार ही आपको चलना पड़े, इसकी गुलामी तो नहीं है। आप चाहे तो कम भी कर सकते और चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं। यानी वहां उदय मंद था आपने बढ़ा लिया और वहां उदय अधिक था आपने कम कर लिया, ये तो है पुरुषा, ये पशुता है ऐसे खाने पीने में। और इतने बढ़िया हाथ आराम से ऐसे उठा के खा सकते, पर इसी समय त्रियंच गति का उदय आ जाए तो प्लेट भर ली उसी तो गाय कैसी खाती, और उसके तो ऐसे हाथ है ना तो पड़े हुए उसकी दम मुंह लगा के खाएगी, तो ये अपने त्रियंच गति का उदय चल रहा। जैसे गिलास पूरा भर लिया अब उठा के नहीं, गिलास रखो सूतो, ये पशु में ऐसे था, त्रियंच गति का स्थिति संक्रमण हो रहा है। ऐसा ही है तीर्थंकर प्रकृति का चलता है। तीर्थंकर प्रकृति तो 13वें अध्याय है। हाँ। लेकिन गर्भ कल्याण जो बनाया जा रहा है, गर्भ कल्याण की नहीं, उसके पहले पहले जो गर्भ जो भी कार्यक्रम हो रहे उसके, तो वो उसके स्थिविक संक्रमण के कारण, तो ये परमाणु जो 6 महीने पहले हुआ गर्भ में आने से, तो वो चाहे नरक में है तब भी उसका स्थिविक संक्रमण वहां भी व्यवस्था हो जाती नरक में भी। यानी वो एक बाड़ी में घिर जाएंगे, अन्न नार की परेशान नहीं कर सकते, असुर जाति के देव परेशान नहीं कर सकते, ये व्यवस्था वहां। तो ये स्थिवक संक्रमण का कार्य, तो वो शुभ आदि सुभग ये जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं उनमें मिलते जाएंगे, तो उनमें विशेषता आ जाएगी, विशेषता आएगी तो ये सारे कार्य होंगे। तो ये अरहंत भगवान की यहाँ तो 13वें गुण स्थान में तो तीर्थंकर प्रकृति का उदय ही आ गया, तो साक्षात पूजा योग्य हो गए। और इसके पहले ने गर्भ जन्म और दीक्षा कल्याण की, इनमें उसका जो स्थिवक संक्रमण चल रहा उसका ही कमाल, तो उससे भी पूजिता यानी देवगण आके सारे सब कुछ मनाएंगे, सब में अतिशयता फैलेगी, प्रभावना होगी। तो इन अतिशयों के योग्य होने से अरहंत होते हैं, पूज्य होते हैं। अब जो पूज्यता है तो वो नहीं, यह वो सिद्ध भगवान की चर्चा कर रहे हैं यहाँ से, अरहंत भगवान की चर्चा यही संपन्न होगी। अब सिद्धों की आगे अरहंत मैं ऐसे उन अरहंतों को नमस्कार हूँ, अभी अरहंतों की है और ये अरहंतों की यहाँ तक चलेगी 47 पेज की विशेषार्थ, इसके बाद राही नमो सिद्धांत। अब उनकी अरहत दशा की विशेषता बता रहे हैं, न केवल लब्धि आदि शरीर आदि की स्थिति ये सब बता रहे हैं। पेज नंबर 46 पर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत विरति, यानी चारित्र, छायक सम्यक्त्व, छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग
और छायक उपभोग आदि प्रकट हुए अनंत गुण स्वरूप होने से जिन्होंने यही सिद्ध स्वरूप प्राप्त कर लिया, सिद्ध स्वरूप मतलब परमात्मा दशा यानी सकल परमात्मा जो कहला रहे, इनों अनंत ज्ञान ज्ञानावरण के क्षय की निमित्तता में, अनंत दर्शन दर्शनावरण के क्षय की निमित्तता में, अनंत सुख मोहिनी के क्षय की निमित्तता में, अनंत वीर्य अंतराय के क्षय की निमित्तता में, तो ये सीधा सीधा तो ये चार घाती कर्म के क्षय की निमित्तता में अनंत चतुष्टय। अब जब इन अनंत चतुष्टय को नौ लब्धियों के रूप में देखते हैं तो फिर अपेक्षा बदल जाती, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय के क्षय में प्रकट हुए क्रमशः अनंत ज्ञान अनंत दर्शन और अनंत वीर्य इन्हें तो ऐसे ही रखते, और मोहिनी के अभाव में प्रकट हुए को चूंकि मोहिनी के दो वेद थे दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी, तो उनके अभाव में प्रकट हुए गुणों को भी दो अलग अलग रूप में लेते, चारित्र मोहिनी के अभाव में अनंत विरति यानी छायिक चारित्र, और दर्शन मोहिनी के अभाव में छायिक सम्यक, और फिर जैसे अनंत ज्ञान छाया और अंतराय कर्म के चुके पांच प्रकृतियां, तो उनके छह संबंधी गुण भी अलग अलग पांच, इस तरह छायक दान छायक लाभ छायक भोग छायक उपभोग और ऊपर आया था अनंत वीर्य छायक वीर्य, इस तरह से नौ लब्ध नहीं यहाँ तो पर्यायवाची, बस एक में कर्म के निमित्तता की अपेक्षा, हाँ वो एक में अपने वैभव की अपेक्षा उपादान की मुख्यता, तो ये दो अपेक्षाएं यानी जब अनंत चतुष्टय कहते हैं तो सीधे ही एक एक कर्म के अभाव में एक एक गुण, और जब उनको नौ केवल लब्धि रूप में कहते हैं तो मोहिनी को दो में अलग बांट लेते हैं और अंतराय कर्म को पांच में अलग, और इस तरह से उनके छह में पांच अंतराय संबंधी पांच लब्धियां और मोहिनी संबंधी छायिक सम्मित और छायिक चात्र, और तीन ये ज्ञान दर्शन और वीर नहीं वीर फिर नहीं ज्ञान दर्शन ये दो, और मोहिनी अंतराय का तो विभाजन हो गया तो पांच दो सात दो नौ, इस तरह से नौ लब्धियों में अलग अपेक्षा, मात्र अपेक्षा का भेद है ये कि ये उपलब्धि को दो दृष्टियों से देखा। ये प्रश्न खड़ा हो सकता कि जब मात्र अपेक्षा का भेद तो दो दृष्टियों से देखा क्यों, कि जब उनकी प्रभुता बतानी हो तब तो अभेद अपेक्षा से दिखाएंगे, और दूसरों को आकर्षित करने वाला बिंदु मुख हो तो नौ केवल लब्धियां, क्योंकि मूल जो आकर्षित होते हैं छायिक दान छायिक लाभ छायिक भोग छायिक उपभोग, इससे समूसर हूं अंधे हो गए ना जन्मांध वहां जाओगे दिखने लगेगा है ऐसा, चल बहरे हो ना वहां जाओगे भूलने लगोगे सुनने लगेगा लगोगे, गूंगे हो वहां जाओगे बोलने लगोगे, लंगड़े हो वहां जाओगे पूरे अच्छे हो जाओगे, तो ये जो उनका छायिक दान ये दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है, वहां ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, ना कोई निंदा करेगा ना प्रशंसा करेगा ना कोई बैर भुनाएगा, चल
तो ये जो दाना भी लब्धियां ये अन्य की आकर्षण की केंद्र बन जाती, प्रभावना में कारण बन जाती। तो यदि उसकी मुख्यता करके तो फिर नौ लब्धियां गिना देते, और जब भगवान की महिमा बतानी होती तो अनंत चतुष्टय ये गिना दे। अब उनके शरीर की स्थिति, स्फटिक मणि के पर्वत के मध्य से निकलते हुए सूर्य बिंब के समान जो दीप्यमान हो रहे, कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जाते, इतना तेज भगवान के शरीर का, वहां दिन रात का भेद नहीं होता, समोसन में सब एक साथ नहीं, तो वो तो जब समोसन से निकलेंगे तो पता लगेगा, और वहां तो भूख प्यास लगती भी नहीं, कंटिन्यूस वहां तो बैठे भी रह सकते। कदाचित समोसरण विघटित नहीं हो रहा हो, वहीं अभी कुछ दिन टिकना, तो स्वतः भी टिके रह सकते, क्योंकि ना तो वहां भूख लगती, ना प्यास लगती, ना कोई लघु शंका दीर्घ शंका की बाधा होती, ना नींद आती, ना कोई और परेशानी, यानी हाथ पैरों का दुखना आदि कुछ नहीं, तो अब उठने की जरूरत क्या है भाई, इन्हीं कारणों से तो व्यक्ति उठता है, तो ये सब वहां कुछ बाधाएं है ही नहीं। अब फिर समोसरण ये बिघट जाए, बिहार हो जाएगी तो फिर तो उठेंगे, पर नहीं व्यक्ति तो हो रहा हो तो अखंड भी बैठे रह सकते, ये कोई बाधाएं है ही नहीं, वहां दिन रात का भी भेद नहीं, अंधेरे उजाले की समस्या नहीं, यानी वहां जिन समस्याओं के कारण अपन उठते उनमें से कोई भी समस्या नहीं। निर्विघ्न बैठे रहेंगे, तो इसलिए जब तक समोसरण है तब तक भी श्रोता अडिग बैठे रह सकते, कोई समस्या नहीं, जबकि भी नहीं आनी, क्या होता होगा अतिशय। और सामान्य जन यदि उससे प्रभावित होकर पहुंच जाए तो आश्चर्य क्या है, इस अतिशय स्थिति। तो इतना देहदीप्यमान शरीर, अपने शरीर प्रमाण होने पर भी जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर लिया, यानी लोकालोक में फैल गए, सर्वगत आदा नान प्रमाणम नानम नेय प्रमाणम उत्तिष्ठम, और नेयम लोयम लोयम तम्मा आदा उसंप्रदा, तो ज्ञान की अपेक्षा पूरे लोकालोक को व्याप्त कर लिया, और अपने ज्ञान में ही संपूर्ण प्रमेय रहने के कारण, यानी प्रमेय प्रतिभाषित होने से जो विश्व रूपता को प्राप्त हुआ है, यानी उनके ज्ञान में सब कुछ झलक रहा, संपूर्ण आमय अर्थात रोगों से दूर हो जाने के कारण जो निरामय है, ये जो विशेषण दे रहे हैं ये अपन चाहे तो एक एक विपरीत मान्यता के खंडन के लिए भी समझ सकते हैं। श्वेतांबर लोग मानते हैं भगवान महावीर स्वामी को पैचिस का रोग हो गया था, यानी पतले दस्त लगने लगे थे, और फिर वो औषधि भी कितनी भयंकर वो खाए, गंडा से कहा भैया रो गए बहुत तकलीफ हो रही कोई दवा दो, तो वो दवा ले आया, यहाँ कह रहे निरामय कोई रोग के लिए अवसर नहीं है, रोगों से दूर हो जाने के कारण वो निरामय है, संपूर्ण पाप रूपी अंजन के समूह के नष्ट हो जाने से जो निरंजन, यानी कोई पाप भाव नहीं, पाप परिणाम नहीं, पाप क्रिया नहीं, और घाती कर्म का भी पूर्णतया अभाव निरंजन,
और दोषों की कलाएं अर्थात संपूर्ण दोषों से रहित होने के कारण जो निष्कल है 18 दोषों से रहित हो गए। ऐसे उन अरिहंतों को नमस्कार हो, उक्त कथन का यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये अरहंत भगवान को नमस्कार का अर्थ। अब चूंकि इनके अनेक अनेक नाम तो वे किस अपेक्षा से हैं, ये विश्लेषण यहाँ कर रहे हैं, यानी अन्य मतों में जो नाम करते शंकाएं चलिए इनको यही बताइए। जो रंग है कीर्तन करके वह रक्त का रंग कैसे हो सकता है जब परम औदारिक में सफेद रक्त है। परम औदारिक में सफेद रक्त है ये नहीं है, सात धातु से रहित है परम औदारिक, यानी सब कुछ ठोस हो गए और स्फटिक मणि के जैसा पारदर्शी। जब तक परम औदारिक नहीं होता शरीर, तब तक उनके रक्त का वर्ण श्वेत होता है। आजकल के वैज्ञानिकों को तो स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि उनका तो ऐसा मानना कि यदि लाल कण कम हो जाए तो बीमार, यानी सफेद कण बढ़ जाए तो बीमारी की निशानी। पर ये भूल जाते हैं, ये जो मक्खी मच्छर आदि होते हैं इनका रक्त भी सफेद रंग का होता है, वो बीमार हो गए मक्खी मच्छर का तो लाल नहीं होता। ये तो अपने को जब काटते हैं ना तो वो मूल में उनका रंग नहीं होता। अभी कभी इल्ली आदि को देख लो, वैसे उनका शरीर ऐसा बाहर से भी दिखता है, अपने ये नशों में अलग से लाला में आदि दौड़ती हुई उनके में सफेद। कदाचित कभी अपन चावल आदि में हो गई, वो अपन उठाना चाह रहे हो और धोखे से मसल जाए, पानी पानी रहता सफेद। ऐसी मक्खी मच्छर में भी यानी ये तो जो अपने को काट करके शरीर का रक्त पीते वो लाल रहता, उनका नहीं, वो सब हट्टे कट्टे रहते। काट के जो खून लेता है वो, वो अगर छोड़े वो लाल, पर मूल उनका लाल नहीं होता। तो इससे ये तो सिद्ध हो ही गया कि लाल कण स्वस्थता की निशानी नहीं है, सफेद कणों से भी आसानी से स्वस्थ रह लेते हैं। थोड़ा सहारा दे, तो बारह में गुणस्थान तत्व सफेद रंग का यानी दूध जैसा रहता है, और बारह में गुणस्थान के अंत में प्रारंभ तो हो जाता शुरू से ही बारह में गुणस्थान के, तो धीरे 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 शरीर परिवर्तित हो जाता, बारह में का व्यय, तेरह में का उत्पाद और शरीर परम उदारिक, ये सारी तरलता सब ठोस हो जाएगा, तो रक्त आदि सब ठोस, तो फिर सफेद नहीं, फिर तो शरीर पूरा स्फटिक मणि जैसा पारदर्शी। ऐसा बोल रहे सब ठोस, तरल कुछ नहीं, सब ठोस पारदर्शी। देवताओं के भी जो सप्त धातु नहीं होती है, नहीं तो उनके तो जन्म से ही नहीं, उनके तो जन्म से ही नहीं, उनके तो संगनन ही नहीं था, इन्हीं के संगनन था, जन्म से सात धातुओं में थी, पर परम औदारिक हुआ तो संगनन तो रहा, वे सात धातुएं ठोस हो गई, इन्हें तरलता नहीं रही, अपने में तरलता रहती ना, मांस में खिसकता, हड्डियां में खिसकती, रक्त बहता रहता, ये तरलता नहीं रहेगी। देवताओं में भी जो हड्डी नहीं रहती उनके तो जन्म से नहीं है, मतलब उनके संगना नहीं रहती, हड्डी नहीं रहती, शरीर तो रहेगा। हाँ, गुब्बारा जैसे हवा नहीं, जैसे अपने स्टैचू वगैरह बनाते ना, पर प्लास्टिक के गुड्डा वगैरह ठोस अथवा मिट्टी के पुतले,
ठोस रहता है, उतना तो ठोस रहता अपना, तो ऐसे में भी ठोस बना ही रहता। नहीं, इनमें तो सात धातुएं पहले थी, हड्डियां आदि भी हैं, पर अभी तरल वहां जाके ठोस, तो तरलता में विकृति रहती है, ठोस में विकृति नहीं होती। फिर संगनम बराबर है, वज्र सम नारस है। वहां तो फिर ये जो शरीर का जो रंग भी जो अपन कहते हैं लाल रंग के हैं, ये तो वो तो रहेगा, वो तो चमड़ी है। अच्छा, चमड़ी का रंग रहेगा, परम औदारिक शरीर हो गया है। हाँ, तो चमड़ी का रंग तो पूरा वैसा रहेगा। अच्छा, वो रहेगा, क्योंकि ये तो चमड़ी है। समोसन में भी वैसे ही रहेगा, परम औदारिक शरीर हो गया है जिस रंग का उसी रंग का। अरे, स्फटिक मणि जैसा पारदर्शी, इसीलिए तो मुख्य एक और है पारदर्शी, तो चारों ओर दिखते, चारों ओर मतलब सब ओर ही, यानी जो भी जिस दिशा में बैठा बिल्कुल ऐसा दिखता कि हमारे सामने भगवान विराजमान और हमें देख करके बोल रहे हैं इस तरह से। हाँ, उसी प्रश्न में उन्होंने लिखा है सोलवा गोल्ड रंग कैसे, कैसा सोने का गोल्ड रंग, भगवान का है ना सुनहरा सोने, वो वाला कलर कैसे कैसे है, क्यों इसमें क्या है, तो चमड़ी का रंग है, सुनहरा तो सोने के स्वर्ण रंग है, यानी सोने के तपे हुए सोने के समान लाल, यानी चमक वाला, पीला नहीं, तपाए हुए सोने के समान, तो चमक के सहित थोड़ी सी लाल में, चमक के सहित थोड़ी सी लाल में, ये तो चमड़ी का रंग, जैसे गोर वर्ण है तो श्याम वर्ण, ऐसे वो तपाए हुए सोने के समान चमकीला थोड़ा सा लाल में लिए हुए, तो उसमें कोई दिक्कत, चमड़ी का रंग है। नरक अथवा स्वर्ग में और उनका पुण्य कर्म का उदय यहाँ मनुष्य रूप में आ रहा है, ऐसा कैसे संभव? उनके पुण्य का उदय नहीं आ रहा, उनके पुण्य का उदय तो उनके साथ ही, परंतु जैसे यहां होता ना, आपके पुण्य का उदय चल रहा तो आपके मित्र को आपकी मदद करने का भाव आ गया, पुण्य का उदय आपका, अनुकूलता आपको मिलनी, पर चूंकि आपके पुण्य का उदय तो आपके दोस्त को ऐसा भाव आया कि चलो हम इसकी मदद कर दें, तो वो आपके पुण्य का उदय उसके पास नहीं गया है, परंतु नो कर्म ये सब बनता, यानी कर्म का उदय किसी ना किसी की निमित्तता से ही आएगा, कोई ना कोई नो कर्म बनेगा, तो आपके पुण्य के उदय में आपका दोस्त नो कर्म बन गया, ऐसे ही यहाँ। भी आकर के यहाँ करने लगते तो वो नो कर्म जैसा, यानी आप कहीं जा रहे हैं, आप अभी यहाँ हैं और आपने अपने मित्र को सूचना दी और उसने इवन व्यवस्था कर दिया आपके, आप अभी पहुंचे ही नहीं, क्यों अनुराग? ऐसे देवताओं के मन में अनुराग, तो इनके पुण्य के उदय का निमित्त पा करके वे सारे ही ठाट वाट कर देते। ये जो रत्न आदि बसते हैं या सुभेद छोटा है कंटक, ये जो उस नगरी के निवासी, उन सब जीवों का भी तो पुण्य उदय होना चाहिए। पुण्य उदय उनका कहने की अपेक्षा उनको धर्म प्राप्ति का अथवा धर्म की ओर आकर्षित होने का प्रसंग, यानी बाहर में अनुकूलता दिखती, क्यों हो रहा है सब ये आपको पता नहीं, तीर्थंकर आने वाले हैं, क्या होते तीर्थंकर? अरे जो आत्मा आराधना करता है, आत्मा आराधना में ऐसा हम भी करेंगे, तो उनके धर्म प्राप्ति का अवसर, तो इसलिए वो ठाट बाट उनको दिखते और परिणाम निकलता अनेकानेक जीव धर्मी को आकृष्ट हो जाते, धर्म आराधना में लग जाते। हाँ, मंदिर में स्वाध्याय हो रहा है और कदाचित का भी लेट पहुंचे,
तो क्या पहले स्वाध्याय में बैठ सकते हैं और दर्शन बाद में कर सकते हैं क्या? इसमें ऐसा है, मान लो अनेकों वेदियां हैं तो कम से कम एक वेदी में विराजमान श्री जी के सामान्य दर्शन, सामान्य दर्शन मतलब पूरे करेंगे तब तो समय लगेगा, पूरे काय उत्सर्ग आदि, पर सामान से ढोक देके फिर ही स्वाध्याय में बैठना, यानी बिल्कुल ही दर्शन किए बिना स्वाध्याय में कभी नहीं बैठना। अब चूंकि स्वाध्याय शुरू हो गया, ठीक, सामान्य दर्शन कर लें एक वेदी के कम से कम, फिर स्वाध्याय में बैठ, यानी सबसे पहले देव दर्शन फिर स्वाध्याय, एक क्रम अलग हो गए तो जाते समय ये सावधानी कि पहले दर्शन करके जाए फिर स्वाध्याय। देखो अपन यदि स्वयं अंतर अवलोकन करेंगे तो स्वयं महसूस करेंगे, सिद्धि का भाव, हाँ, यानी देव दर्शन आदि के बिना आप स्वाध्याय में बैठेंगे तो वो विशुद्धि नहीं रहेगी, और देव दर्शन पूर्वक बैठेंगे तो स्वयं महसूस करेंगे कि विशुद्धि अलग करने की रहेगी। इस साध निमित्त नैमित्त संबंध है ऐसा, तो यहाँ भी लगाने विडम्बना क्या कि अपन स्वयं अपना अंतर अवलोकन नहीं करते, घटनाएं तो घटती तो देखे ना कि बाकी सब कुछ एक सम, तो आधे अंतर क्यों कि अरे देव दर्शन किए बिना स्वाध्याय में बैठ गए, इस कारण तो उसे ख्याल में आ जाएगा। यानी जो ये क्रम पहले देव दर्शन फिर स्वाध्याय, और यहाँ तो कितना गजब का उनकी सन्नति भी कितनी गजब की बैठा कि देवता नमस्कार किए बिना उनकी वाणी की महिमा कैसे आएगी, कैसे सुनेंगे, तो पहले उनको उनके दर्शन करें फिर वाणी की, और वाणी नहीं सुनी तो लाभ नहीं पाएंगे, फिर दोनों का ही समन्वय संतुलन और क्रम, पहले देव दर्शन पूजन फिर स्वाध्याय। देखो ऐसा है, छाउपश में ज्ञान है ना, शंका लू बहुत हो जाता है। देखो घटना बताए, जब मुझे आना था बराबर फोन चालू थे, गाड़ी कहाँ तक आ गई, अब कहाँ तक आ गई, अब कहाँ तक आ गई, बराबर यानी आधा आधा घंटे में फोन आ रहे थे, तो पूरा सब पता था ना, अभी यहाँ आ गए, आपको पता लग गया था ना, पर क्यों गए थे देखने कि जो छाउपशमिक ज्ञान है ना, शंका लू ज्यादा रहता, यानी पूरा पक्का पता होने पर भी जब तक आंख से ना देख ले संतोष नहीं होता, जानकारी तो पूरी हो गई पर जो समाधान मिलना चाहिए था, संतुष्टि मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिलती, और देख लिया 5 मिनट तो अब छायोक्ष में ज्ञान की विशेषता कहो, कमजोरी कहो, जो भी कहो, तो बेबी तो छायोक्ष में ज्ञान वाली है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। और उनके तो और भी स्थिति मासिक धर्म से होती नहीं, तो कैसे पता लगे भाई, अन्य महिलाएं तो मासिक धर्म से हो तो वो नहीं हुआ तो थोड़ी शंका कि भाई कहीं गर्भ तो नहीं रह गया, और उनके तो पहले से ही नहीं था वो, तो वैसे एक तो छायोपशमिक ज्ञान और फिर एक साथ में ये भी, इसलिए वो शंका का समाधान करने जाते हैं। छायोपशमिक ज्ञान जैसा ना चाहते बहुत कम, अपन अपने अनुभवों से ही ले, यानी बिल्कुल पक्की रिपोर्ट मिल रही बिल्कुल प्रति समय समय की, और तो भी जब तक सीधा नहीं सुन ले, सीधा नहीं देख ले, चैन नहीं पड़ती, ऐसा है। हो गया ठीक, समय भी हो गया है। नीची 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 नीची
ये द्वादशांगमयी जीवामी माता की जय हो, अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो।